हमारे यूनिवर्स में कितने गैलेक्सीज हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही 8 रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिलेगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई अगली इंटरेस्टिंग एंड रैंडम वीडियोस अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल पर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। फैक्ट नंबर 8। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं साउथ कोरिया में जब भी कोई पर्सन टेबल फैन लगा के सोता है तो बीच रात में वो टेबल फैन अपने आप ही रुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स कि उन सभी टेबल फैंस में एक प्रकार का टाइमर लगा हुआ होता है, और जब वो टाइमर अपने सेट टाइम पे आ जाता है तो अपने आप ही वो फ़ैन बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए है कि साउथ कोरिया में फैला हुआ एक मिथ है कि जैसे रात को जब भी कोई पर्सन अपने सभी घर का खिड़की दरवाज़ा बंद करके सोता है और फिर जब टेबल फैन को ऑन करेगा तो रात के समय में उसके शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, इसकी वजह से उसका देहांत हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा मिथ है। तो फ्रेंड्स, असल में ये कोई मिथ है नहीं, वहाँ की सरकार ने इसे मिथ बनाकर पूरे कंट्री में फैला दिया है। और ये इसलिए इसको अफवाह बनाया गया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए इस टाइप का अफवाह वहाँ की सरकार ने बना के 1970 में कंट्री में हर जगह फैला दिया कि रात को किसी का भी देहांत हो सकता है। फैक्ट नंबर 7। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं पेरू के कतराता वेलो दी नोविया में एक ऐसा वाटरफॉल है जो देखने में एक दुल्हन की तरह दिखता है। और अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये जो वाटरफॉल है ये एक नेचुरल वाटरफॉल है, यानी इस पे इंसानों ने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, और सिर्फ इसी वाटरफॉल को देखने के लिए दूर दूर से बहुत सारे लोग हर साल आते हैं। फैक्ट नंबर 6। तो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं फ्लोरिडा के स्पाउस क्रीक में एक ऐसा विलेज मौजूद है कि जो अपने यहाँ के कारोस के लिए फेमस नहीं है, यहाँ बल्कि अपने पास रखे हुए प्लेन्स के लिए फेमस है। यानी इस विलेज के सभी मेंबर्स के पास एक या दो प्लेन तो मौजूद हैं, मतलब नॉर्मल बिग साइज प्लेन नहीं, अपना एक मिनी प्लेन। और ये अलग अलग जगह जाने के लिए कार्स का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि प्लेन का इस्तेमाल करते हैं, और ये ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इन सभी लोगों के पास एक अपना प्लेन चलाने का लाइसेंस मौजूद है। फैक्ट नंबर 5। सो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी फिल्म तो देखी होंगी, लेकिन नॉर्मली सभी फिल्म में सॉन्ग तो आते ही हैं, लेकिन नॉर्मली फिल्म में कितने सॉन्ग हो सकते हैं? 3, 5, 10 या मैक्स टू मैक्स 15। लेकिन क्या आप जानते हैं 1932 में बनी हुई एक फिल्म इंद्रसभा में पूरे 72 सॉन्ग थे। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सॉन्ग में फिल्म थी या फिल्म में सॉन्ग थे। फैक्ट नंबर 4। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं जब एक लिजर्ड को अपनी आँखों को साफ करना होता है तो कैसे अपनी आँखों को साफ करती है? तो इसका आंसर है एक नॉर्मल लिजर्ड अपनी आँखों को अपनी टंग से साफ करती है, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर तो नहीं होता है, लेकिन हम में से 99% लोग इसको नहीं देख पाते, और ये लिजर्ड 2 से 3 घंटे में इसको एक बार ज़रूर करती है। फैक्ट नंबर 3। सो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं लंदन के डेविड ऑस्टिन नाम के एक व्यक्ति ने ग्रेट स्प्रिंग फ्लावर शो में एक ऐसा रोज़ सबके सामने इंट्रोड्यूस किया था जिसकी सिर्फ एक रोज़ की कीमत थी 90 करोड़ रुपए, जो कि एक इंडियन रुपीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। फैक्ट नंबर 2। सो फ्रेंड्स, अभी आप जो अपनी स्क्रीन पे ईगल देख रहे हैं उसे क्राउन ईगल कहा जाता है, और एक नॉर्मल ईगल या फिर नॉर्मल बर्ड नहीं है, क्योंकि दुनिया के सभी बर्ड्स नॉर्मली इंसेक्ट एनिमल्स का शिकार करते हैं, लेकिन ये जो ईगल है ये इंसानों का ही शिकार करती हैं। दरअसल जब भी कोई अपने आसपास कोई भी इंसान देखते हैं तुरंत उस पर अटैक कर देते हैं। और अगर आपने कभी फ्यूचर में ऐसा बर्ड या ये मतलब ऐसा ईगल देखा तो उससे कृपया करके दूर ही रहिएगा, वरना आपको भारी पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 1। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के बारे में, यानी इस पूरे ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे साइंटिस्टों के अनुसार हमारे यूनिवर्स में 2 लाख करोड़ गैलेक्सीज हैं, और 2 लाख करोड़ अपने आप में ही बहुत ज़्यादा होता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी अगली इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार। और फ्रेंड्स, जाते जाते एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो से आपको नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते हैं। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई अगली एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले एजुकेशनल वीडियो में।